उम्मीदवारी आज अर्ज हमने भरे। आदरणीय और माजी खासदार रामकृष्ण बाबा जी, हमारे सगा संजय जी, इलाज जी किरमानी, मैं औपचारिक नाम बोल रहा हूँ। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का सबसे बातचीत करने के बाद में ये फैसला लिया गया कि हमने लोकसभा चुनाव अपक्ष लड़ना चाहिए और उसका फॉर्म मैंने आज भर दिया। अब चुनाव जीतने के लिए रणनीति, राजनीति क्या होगी, वो हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सारे साथी, हमारे सब दोस्त, हमारे सब भाई, हम मिल के फैसला करेंगे। आपने दिन कांग्रेस को साथ दिए लेकिन अभी अपक्ष लड़ रहे हैं, कुछ तो नाराज हो? कांग्रेस पार्टी के संगात नाराजगी अगर नहीं होती तो मैं फॉर्म भरता ही नहीं था। नाराजगी और धोखेदारी सीखने का कोई अगर केंद्र बिंदु होगा तो वो कांग्रेस पार्टी है, वो मैंने आज देख लिया। और इसलिए अपनी भावनाएं आपके सामने, मैं 36 साल से कांग्रेस ही था, आज कांग्रेस का नहीं हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ। आपका राजीनामा भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया? अब वो नेताओं का काम है एक्सेप्ट करना, मेरी हकल पट्टी करना या मुझे पार्टी में से निकाल देना, ये उनका काम है। मैंने मेरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दिया, अब उनका काम है उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने का। टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट होगा कि जो बोगस लोगों को उम्मीदवारी दी गई है, ये बोगस लोगों को हराना, यही हमारा टारगेट है। तो क्या सुभाष झामड़ की और आपकी? मैंने बोला बोगस, नाम भी नहीं लेना चाहता, बोगस। कल भी आपको बुलाया गया था, मैंने आज भी यही बोल रहा, बोगस के बारे में मैं प्रचार नहीं करने वाला हूँ। हमारे सारे कार्यकर्ता वो बोगस को उसकी जगह बता देंगे, बाबा ने बता दिया। कल भी दिल्ली से कुछ लोग आए थे कमेटी के, आपको बुलाया गया था, आपने पूरा विरोध किया, क्या वजह? मुझे जाना नहीं है, मुझे गली के लोगों के पास जाना है और मैं गली वालों के वोट लूंगा, दिल्ली के लोगों से मुझे बात नहीं करना थी, जब भी बोला मैंने। और दिल्ली के और बम्बई के बीच में बहुत अंतर है, बम्बई और औरंगाबाद के बीच में भी बहुत फैसला है और मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से दिल्ली गेट का फैसला कम है। अभी लड़ाई किसके साथ रही है? मेरी लड़ाई जो मेरे खिलाफ खड़े हैं उनके साथ रही है। तो क्या विकास का मुद्दा रहेगा और क्या रहेगा यहाँ से जो क्या रहेगा? एक मैं 36 साल का अनुभवी उम्मीदवार लोगों के सामने आ रहा है, 20 साल आमदार रहा हूँ, सारा चीज़ का मुझे अनुभव है और वो अनुभव का फ़ायदा औरंगाबाद लोकसभा के यहाँ के मतदाताओं को मिलना चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश लेके मैं ये चुनाव लड़ूं। नहीं आणि कोणीही दुश्मन नाही आहे, जे आहे आमच्या विरुद्ध ते आमचे विरुद्ध आहेत आणि आम्ही ही निवडणूक जिंकण्यासाठी फॉर्म भरला। पण ते काँग्रेसच्या रक्तामध्ये आम्ही नाही ना, मला काहीच वाटत नाही, ज्यांनी धोका दिला त्यांना विचारा। तुमच्या चेहऱ्यावर नाराजी वाटते का? मला चेहऱ्यावर नाराजगी नाही, पण राहणार, एक वर्ष काँग्रेसचं काम केलं, 36 वर्ष, थोडीफार नाराजगी राहणार आहे की पक्षाने आपल्याला शेवटी न्याय क्या दिला आणि त्या न्याय दिल्याने जनतेसमोर न्याय मागायला चाललो। ओके, जनतेसमोर न्याय मागणं हे माझं कर्तव्य आहे आणि ते मागण्यासाठी आता मी फॉर्म भरला लोकशाही पद्धतीने। माझ्या डोळ्यात नाराजगी नाही, चष्मा आहे डोळ्यात। आता पक्ष सोडल्यानंतर बाबा रामकृष्ण बाबा 88 वर्षाचे आणि 88 वर्षामध्ये त्यांनी 3 वेळेस विधानसभा जिंकली, 1 वेळेस खासदारकी जिंकली, कोणत्याही निवडणुकीमध्ये कधीही पराभूत झाले नाही, शेवटची एक निवडणूक सोडली, तर आत्तापर्यंत त्यांनी त्यांच्या 88 वर्षाच्या वयामध्ये सर्व निवडणुका जिंकलेल्या आहेत। बाबा माझ्यासोबत आहे, इकडं बाबासाहेबाचा अनुयायी संजय चक्ता भक्तासोबत आहे, इकडे इलास किरमानी आहे, सर्व, म्हणजे बोलण्याचा अर्थ असा आहे की सर्व जाती धर्माचे लोकांना सोबत घेऊन मी ही निवडणूक लढणार आहे आणि या निवडणुकीची पुढची स्ट्रॅटेजी जी आहे ती निश्चित आमचे कार्यकर्ते, आमचे बांधव, आमचे मित्र परिवार सर्वांनी मला सांगितलं होतं, तुम्ही काँग्रेसचं तिकीट घ्या, ही चाचणी आपल्या सर्वांच्या समोर आम खास मैदानामध्ये केली होती, आता मशीनमध्ये करायची आहे। पहिल्यांदा अपक्ष आता एक दुसऱ्यांदा काय थोडा फार तर असं वाटतंय की दिल्ली जवळ आहे, दिल्ली गेट इकडून आहे ना, दिल्ली गेट मला वाटतं की दिल्ली गेटमधून गेलो, मी कधी सिल्लोडला जातो दिल्ली गेटमधून जातो, म्हणजे मला वाटतं की दिल्ली जवळ आहे। अगर देखो पार्टी में 36 साल काम करने के बाद में दुख तो होता ही है कि जिस पार्टी खत्म होते होते हमने उसको 36 साल तक जिंदा रखा,
हमने जब उसका पूरा ये औरंगाबाद जालना जिले के अंदर एक भी आमदार चुन के नहीं आया, उस वक्त मैं मोदी जी के लाट में भी 20,000 वोट से चुन के आया। उस पार्टी को छोड़ने के बाद में दुख तो लगने वाला है, लेकिन पार्टी को कोई दुख नहीं है, तो हमको काहे को हमने मनाना चाहिए, इसलिए हमने बोले पार्टी को दुख नहीं है, इसलिए अब तक कोई दुख नहीं। कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार, कांग्रेस के विरुद्ध यलगार पुकार लेली है ना, तो काय त्याच्यामध्ये काही शंका राहिली? तुम्ही सांगा कोणत्या गावाला जाऊन येऊ, सभा घ्यायला उद्या जातो हेलिकॉप्टरने करणार। लोकशाही आहे, लोकशाहीमध्ये जे आपले आहे ते आपले आहे, जो आपले नाही आहे ते आपले दुसरे।